हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है न्यू डीजे लेने का। तो आज नया डीजे लेंगे और जा रहे हैं खैरागढ़, जो राजनांदगांव के पास है, और चलते हैं डीजे विनायक के लिए। ये हमारा डीजे दुकान और हमारी कार भी आ गई है, इसी कार में जाने वाले हैं। और मैं, डीजे विनायक वाले सारे दोस्त, 5-6 लोग हैं, सब लोग मिल के चलते हैं। और बने रहो मेरे वीडियो के साथ ताकि आप भी देखो क्या लेने जा रहे हैं और क्या लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहो और दिखाता हूँ वहाँ रास्ते का क्या है व्यू। ठीक है, तो हमारे जाने के लिए कार भी आ चुका है और ये रहा हमारा डीजे का दुकान, साई ताशन डीजे विनायक। ये दुकान आप देख लो, कहीं ज़रूरत पड़े तो शॉप का नाम जान ले रहो, यही है। ठीक है दोस्तों, और इसी कार में जाने वाले हैं। यही है आज की हमारी फरारी स्पेशल कार, इसी में जाएंगे। तो फुल मजा आने वाला लग रहा है। आज तो पानी आने का टेंशन ही नहीं है क्योंकि कहाँ से अंदर आएगा पानी, हेलो बंद ही रहेगा। तो किसको किसको कौन से सीट में बैठना है, भाई लोग का एकदम चर्चा चल रहा है जबरदस्त वाला, कौन से गेट में कौन से सीट में कौन बैठने वाला है। और ये है हम लोग का दुकान जिसमें मास्पेट और कुछ कुछ सामान यहाँ पर रखा हुआ है, जनरेटर वनरेटर। और ये शटर बंद है, इसमें बाकी डीजे का सामान रखा हुआ है, बेस वेस टॉप ऑप सारे। तो यही हमारा दुकान, तो आप ये सब भी देख लिए रहो। तो मेरे लल्ला भाई का मुंह उतरा हुआ है, कैसे लल्ला भाई, तो नहीं लेगा भाई, बोला यार ही मना, देखना डिक्की में बैठ जा, डिक्की खुला है, बैठ जाओ का, डिक्की खुला है, बैठ जा बैठ जा बैठ, घुस 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 जा, इसी में बैठा ले जाएंगे भाई इसको। है लो, मैं तो बैठ गया, बाकी भाई लोग तो आया नहीं है, मैं तो अपना सीट रिजर्व कर लिया हूँ, इस जगह से तो उठने वाला नहीं हूँ, तो यही बैठूंगा, यही यही यही, और उठने वाले नहीं हूँ चाहे जो हो जाए। तो मैं तो बैठ गया भाई, अब तो उठूंगा नहीं, तो चले आने दो, फिर चलते हैं सबको। ड्राइवर सीट है, खैर मेरे को भी कार चलाने आता है, लेकिन गाड़ी तो बुकिंग का है तो चलाने देगा नहीं। आज बैठ के आपको दिखाऊंगा सारा चीज। ये हम लोग अपना मशीन लेके जा रहे हैं ताकि उस डीजे को अपने मशीन से चेक करेंगे और अच्छा बजेगा तो लेके आते हैं। मास्पेट लेके जा रहे हैं, 2 मास्पेट लेके जाएंगे, एक और मास्पेट अपने पास, 8 मास्पेट है, 8 नहीं यार, 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, 5-6 मास्पेट है करीब। तो 2 मास्पेट लेके जाएंगे और उस साउंड में अपने मशीन लगा के चेक करेंगे, पसंद आता है तो तुरंत लेके आते हैं फिर उधर से। हम क्या करें दोस्तों, हम लोग फाइनल पहुंच गए हैं पेट्रोल पंप, अभी तो बिलासपुर में ही है और रिलायंस फ्यूल परसदा बिलासपुर में ही है अपन। तो डीजल डलवाने के बाद फिर चलते हैं हमारे स्विफ्ट डिजायर में। अरे यार, हाँ बहुत पैसा, लेकिन भाई तोड़ते रहे पेट्रोल पंप तो रहेगा। तो अब निकल चुके हैं पेट्रोल पंप के बाद, सीधा रायपुर रोड में है नेशनल हाईवे, ये बिलासपुर से रायपुर रोड है भाई। जाइए बेचारा, तो फाइनल हम लोग बिलासपुर से निकल गए हैं और बिलासपुर के टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से फिर बिलासपुर से निकल जाएंगे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, पिछले वीडियो में दिखाया था इसी को, और अब यहीं से निकलते हैं। ये हमारे बिलासपुर का टोल प्लाजा है। खोलो खोलो खोलो, हाँ ये हुआ ना बात। दुनिया पहुंच गए, आज पैसा
खर्च होने वाला ना, इसलिए थोड़ा सा गम में टेंशन भी लग रहा चेहरा। 2.5 लाख का आएगा ना बेस, इसलिए थोड़ा सा गम में लग रहा था। थोड़ा प्रेशर पैसे का माइंड है। गाड़ी इतना चला है कि गाड़ी का हवा भी कम हो गया है। हाँ गोलू, कहाँ तकलीफ है थोड़ा? खाना सुन रहा तो सुन ना भाई। तो हमारे बुक्कड़ भाई लोग को पता नहीं भूख लगा है कि क्या, ढाबा में तो आके रुक गए हैं, अभी रास्ते में है, भूख में लग सबको भूख लगने लगा। पता नहीं कोई फैमिली ढाबा है, गुलाब फैमिली ढाबा, तो चलते हैं देखते हैं क्या खाना पीना है। ये चाहिए इसीलिए रुके हैं, इसीलिए। अरे यार खाना खाने में मगन हो गया था इसलिए बना नहीं पाया, खाना खाने के बाद बना रहा हूँ। तो फिर हम लोग फिर नाश्ता रोटी सब्जी खा के फिर निकल चुके हैं अपने उसी रूट में किधर जा रहे थे। पता नहीं कब पहुंचेंगे, वहाँ जाने के बाद समझ में आता है कि कैसा सिस्टम हम लोग को मिलने वाला है, वहाँ जाने के बाद समझ में आएगा। दुर्ग संभाग में आपका स्वागत करता है। धीरे धीरे 3 किलोमीटर बाद राइट मुड़ना है, 3:30। तो फाइनल हम लोग पहुंच गए शर्मा आईडियो, फिर हम लोग पहुंच गए और ये सिंगल जो है रखा गया है साउंड चेक के लिए। तो चलते हैं अब बाहर। नाम चेंज करवा दियो। ये साउंड चेक के लिए हमारा गाड़ी तो पहुंच गया है, बस सामान भी उतर गया नीचे। ये नया 8 बेस रेडी हो चुका है, देखते हैं इसका साउंड कैसा है, बेस क्वालिटी सुनते हैं उसके बाद ही फाइनल होगा। पीछे अरे प्यारे लाल में हवा की नहीं है, कच्चे में तो नहीं है। सेटअप पूरा रेडी हो चुका है और हमारे मामा भाई वायरिंग के लिए वायर सिल रहे हैं। फिर सुनाते हैं आपको साउंड क्वालिटी बेस क्वालिटी, फिर बताना अगर अच्छा हो तो लेते हैं फिर, ठीक है। Thank you.
फाइनल हम लोग का साउंड चेक हो चुका है और हम लोग को तो पसंद आ गया है सेटअप। तो आप लोग बताओ आप लोग को कैसा लगा साउंड बेस क्वालिटी, उसके हिसाब से फिर इसको बुक करते हैं और लेके जाना है, क्योंकि यही वाला हम लोग के पास 8 बेस है। तो 8 बेस और देख रहे हैं, अगर पसंद आता है तो पसंद आई गया है, बस लेना बस है। ओके तो बताना कैसा है। घर जाने के लिए निकल रहे हैं और अरे क्या विक्के भाई, पानी गिरने के कारण हम कार को पास में बुलवा रहे हैं। आ रहे हैं आ जाओ पीछे, आ जाओ भाई पीछे ले आ। हाँ ये आने दे हर चीज की।